हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे इधर से लोग देख रहे हैं तो मैं उनको ही देख रही हूँ। तो गाइस, सभी का स्वागत हो गया मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर चल रहा है गेम लवी का और यहाँ पर चल रहा है वर्क फ्रॉम होम और यहाँ पर चल रहा है गाइस देखो हमको जवाई को नीचे बिठा रखा है लोगों ने। तो गाइस हमारे यहाँ पे ना जो ये सोफे लिए जाते हैं ना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं, और आपको लग ही रहा होगा बैठ के देख के मतलब क्या है करके, है ना। तो हमारे जवाई जो है बहुत ही साधारण मतलब उच्च विचार वाले हैं, ये कहते हैं कि हम नीचे बैठ के ज्यादा खाएंगे। जब जवाई नए रहते हैं तो उनको ऊपर सोफे बिठाया जाता है, जब जवाई जैसे जैसे 7-8 साल होते हैं उनको नीचे बिठाया जाता है वहाँ पे। तो गाइज इनकी बातों को आप माइंड मत करना, ये है ना, लेकिन ये अपनी मर्जी से बैठे, खुशी से कह रहे हैं मैं नीचे बैठूंगा ज़्यादा खाना खाऊंगा, ऊपर बैठूंगा तो कम खाऊंगा। तो बात ये है, असली बात ये है, ये आसन मोड़ के खाते हैं जवाई खाते हैं आसन मोड़ के। तो फिर आज है राखी का दूसरा दिन, कल मनाया है बच्चों ने राखी, आज होगी मेरी राखी, आज मैं करूँगी राखी। मेरे भाई लोग आएंगे, आज आने वाले हैं अभी, और एक भाई की राखी अभी तो एक पहुँचने वाला है अभी, तो अभी मिलते हैं आपको फिर राखी करते हुए। बांधी है जोशना की राखी, ये है जोशना की राखी, अभी दिखाऊंगी मैं सीधा करके भी। जोशना ये तेरी राखी है, ठीक है। और जोशना के लिए खिला दी मिठाई, रुक जाओ मिठाई। तो गाइज हमारे आ चुके हैं आज के मेहमान, खास मेहमान, मेहमान नहीं है वो, अरे तेरे लिए तो मेहमान है, मेरे लिए नहीं है तो, है ना भाई। तो ये आए हैं, इसके मेहमान है ये, इसने बुलाया है इसको फोन करके, इसने खा दी इसकी जान, बोला चल आ जा राखी बांधने के लिए, तो उसको आना पड़ा। इसने बोला भाई जान तुरंत आ जा, तो आ गया वो। ये है मेरा भतीजा, मेरी देवरानी, मेरी बाद वाली देवरानी का बेटा, बीच वाला, इसका नाम है सुनील। यह है सुनील, ये स्मार्टी बॉय। नमस्कार दगड़ियों, बोल रहा है आपको। तो गाइज हम तोड़ेंगे बाहर से तोरी, और आज हमारी लगी है तोरी, तोरी का कापा भी बनाएंगे और बनाएंगे दाल, तो मैंने चढ़ा दी। मम्मी काट रही है तोरी, काट के नहीं निकाल रही है, हाँ मतलब तोड़ रही है। ऑर्गेनिक तोरी बुड्ढी नहीं हुई वो। एक और निकली हुई बिल्कुल हेल्दी तोरी, एक नीचे वो छोटी है अभी, हाँ है बहुत छोटी है वो, हाँ वो भी छोटी है, वो भी छोटी है, उसको अंदर वहाँ है, उसको लाना था, कैसे लाऊं उसको, कहाँ है वो सामने दिख, इतनी मोटी है देखो भी वो, ये वाली उसके उसके इधर देख, इतनी मोटी देख वाली, वो देख वो ऐसा लंबी आ रही है नीचे को, देख ले खतरनाक। चलो हमने निकाल दी है दो तोरी, जो कि हम बनाएंगे तोरी का कापा और भात बनेगा, एक तुम्हें दाल चढ़ा दी, एक कापा भात बनेगा। जो हमारे मेहमान और आने वाले मेरे भाई लोग, इनके भाई लोग को खिलाएंगे तोरी के काप, इनके मेहमान ये है, और मेरे भाई लोग को खिलाएंगे दाल, इनके मेहमान ये है, मेरे मेहमान आने वाले। तो गाइस मैं बनाऊंगी आज तोरी का कापा, इसे मैंने उबालने के रख दिए छिलके, दो दो पीस करके इसमें एक हल्की सी सीटी मारूंगी, और इसमें बन रही बन गई दाल, इसमें दाल बन गई, और ये रख दिया मैंने तोरी उबालने के लिए, थोड़ी सी स्टीम कर लेती हूँ उसको, और ये रख दिया मैंने चावल, चावल भिगा देती हूँ, और उसके बाद भाई लोग मेरे आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, एक भाई का मैंने कर दिया है, दूसरा भाई लोग आने वाले हैं, और तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो उनकी भी मैं रक्षाबंधन करती हूँ, तब तक बेटी का भी दिखाऊंगी अभी आपको रक्षाबंधन करते हुए। ये मैंने चढ़ा दिया तेल, सरसों का तेल चढ़ाया, बाहर बैठ के बच्चे बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने तोरी पीस लिया है, तोरी में टमाटर लहसुन कर लिया इसमें, मतलब सब डाल के ग्राइंड कर लिया, और इसमें दाल बन चुकी है, और चावल भीग चुके हैं, और ये अदरक है, लहसुन, ये लहसुन है, तड़के के लिए दाल बनी है उसमें तड़का लगेगा उसके लिए रखी है, उसके लिए छिलके रखा हुआ है। और मैं तो जब मैं सोच रही थी जब तक मेहमान आते हैं मेरे भाई लोग, तब तक मैं फटाफट से एक चीज़ दो चीज़ बन जाती तो थोड़ी काम आसान हो जाता, और वो भी फटाफट भात खा लेते हैं आज तोरी का कापा, जो कि ऑर्गेनिक एकदम कापा बनेगा आज मस्त वाला। और जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, व्यथा। और ये है लव्या,
लव्या रजवार हो गई है तैयार बिल्कुल सेकंड डे राखी के लिए। हेलो रवि, सुनील तूने मुझे सब्सक्राइब किया नहीं क्या? ऐसे बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला है। हाँ, और इसने तो किया होगा घर, और पता नहीं आपका भी नहीं पता मुझे किया है। अभी भी देखते गजब गाइस मेरे लिए तो ये। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद है आपका। नहीं ऐसा काम नहीं कर सकते अभी, मुझे पता है। तो और तो मैंने जो कहा कि मेरे तो घर में ही दुश्मन है, उनमें से एक मेरी देवरानी थी, इसकी मम्मी, उसने देख मेरे ब्लॉग लोग देख रहे थे, मैं कह रही है मैंने, कह रही है, और मैंने देखा तो नहीं करा था, कह रही मैं इसको रोज करती हूँ, मैं रोज मत करना। फिर मैंने सब्सक्राइब किया था अपनी देवरानी के मोबाइल से, मैंने खुद को सब्सक्राइब किया था, वो कह रही मैं रोज सब्सक्राइब करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि रोज हो जाएंगे, तो नहीं, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ये। हाँ, तो यहाँ पर अभी राखी सेलिब्रेशन होगा 31st वाला, एक तो 30 वाला तो कल हो चुका है इन लोगों का, और जो ये जो आज हो रहा ना, राजू सुबह सुबह 6 बजे आके चला गया, और जो आज हो रहा ना राखी, तो सुनील को बात रही यही थी राखी। तो ये आ गए हमारे दो नन्हे नन्हे मेहमान, क्यूटी पाई मेहमान, ये है प्राची, ये है जयश्री, दोनों दोनों को बैठे हैं यहाँ पे, और ये हैं मेरे भाई भी आ चुके हैं, एक भाई बात के चला गया, दोनों भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये है बड़ा भाई, मतलब मुझसे छोटा है, ये है बड़ा भाई, ये छोटा भाई है, राम राम बोल रहा है ये तुमको। तो यहाँ पर अभी राखी सेलिब्रेशन होगा 31st वाला, एक तो 30 वाला तो कल हो चुका है इन लोगों का, और जो ये जो आज हो रहा ना, राजू सुबह सुबह 6 बजे आके चला गया, और जो आज हो रहा ना राखी, तो सुनील को बाद रही यही थी राखी। तो फ्रेंड, ये ना जो तोरी का कापा होता है ना, वो बन के कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि तोरी ना वाइट कलर की होती है, बाहर से ग्रीन होती है, चिकन निकाल के वाइट कलर की होती है, तो इसका जो ये बन के निकलता है ना फ्लेवर कुछ इस तरह का होता है, और ये बन चुकी है, बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी होती है, दिखने में आपको इतनी अच्छी लग रही होगी लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी होती है ये। तो चाय पानी हो गई, तो फिर बांधते हैं राखी, सुनील को हमने आज चाय के लिए तड़पा दिया है बहुत, कोई बात नहीं बेटा, चाय मिलेगी देखो कुछ भी हो जाए। ये बच्चे की पार्टी चल रही है यहाँ पर, नीचे क्यों बैठा दिया उनको? कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चे आराम से खाएंगे ना, फिर दूर हो रहा था उनके लिए। तो गाइज, एक भाई रेनू का और आ चुका है, जिसका नाम है विशाल, ये रेनू का बचपन का भाई है, ये दोनों साथ में पढ़ते थे, और रेनू का बहुत ही अच्छा भाई है, ये हर राखी पर आता है और हर भैया दूज पर आता है, बहुत अच्छा भाई है। और एक भाई यहाँ बैठा है, ये दो भाई हैं रेनू के, दो भाई हैं मेरे, तो अब हो रहा है राखी सेलिब्रेशन, तो राखी बांधी जाएगी यहाँ पर, राखी खोल दी है रेनू ने, चलो पहले करेगी रेनू, मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं करूँगी तो वो वीडियो बनाऊंगी, देखो मेरे भाई को धमका है ना। तो मेरे भाइयों को धमका दिया है और अपने भाइयों को पीछे बैठा दिया है, कोई बात नहीं, इनकी बारी आएगी, वीडियो की फोटो भी अब आप पे डिपेंड करता है, कैसे अरे इससे अरे हां इसी से लो फिर अब वीडियो बनाना, दो चार क्या होता है 10-15 है ना। तो गाइस, सुनील को यहां पर जब बकरा बनाया गया है, इतने मुझे खुद ही आईफोन लेके अगर अपन ढंग की वीडियो नहीं बनाई, मेरे आईफोन का आई है नहीं, ओ गजब आईफोन से वीडियो बन रही इधर, तो फोटो फोटो बहुत बढ़िया, मम्मी आ गई, कौन खाना ठीक है क्या, ये देखो तू पता नहीं क्या निकाल के ले आई, नहीं निकलेगा, तो अच्छी बात तो है भी, बहुत अच्छा ठीक है, ये हो गई है राखी, अब मेरी बारी है, नहीं नहीं मम्मी लगा लेगी, आप उसकी टेंशन, ये हो रहा है मम्मी का रक्षाबंधन, खिला तो कुछ मीठा, कहाँ से ला रही है?
हाँ हाँ फोटो खराब हुए ना मम्मी होके जान ले लेगी जल्दी किस तरह बस कि कब क्या करते हैं इसको खोली खोली मानते मंत्री आदमी है ये भी तो मंत्र गाते हैं पढ़ते पढ़ते पता नहीं कौन कौन से मैं कैसा हूं ना अरे दो दो लगा रखे हैं हम यही है यही एंड होते हैं आप अपने मंत्र का शुरुआत करने वाली हाँ डोर मजबूत है क्या फोटो खींचो मम्मी चमका ही नहीं होगा मामा मामा ही मेरे डर के मारे हो गया तो लेना तो बनता ही है क्या करे मानते नहीं है लाए हैं तो मेरे लिए लाए तो लेना पड़ रहा है इसमें मुझे रेनू ले रेनू ले देखेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो गाइज हमने बांध दी है राखी अब होगा हमारा लंच लंच मेरा तैयार हो चुका है बोल रहे हैं कि लाल चाय बना दो मतलब हल्के पत्ते वाली बिना दूध की और ये बैठे हुए हैं इनको चाहिए चाय एक बार चाय पियेंगे तो उसके बाद लंच करेंगे अब कर लेते हैं जल्दी से लंच बच्चे भी भूखे हैं फटाफट लंच करते हैं ये है हमारी कन्याकुमारी जी बैठ गई है हमारी बिल्कुल नहीं लंच टाइम चल रहा है तो गाइस खाना वाना खाने के बाद हमने चाय पानी भी पी ली सारा काम हो गया खाना खाने के बाद बच्चे चले गए थे मेरे भाई लोग अभी अभी गए हैं और अभी अभी गए हैं छः बजे अब तो चाय पी लिए सब कुछ करके अभी गए हैं और ये हमारा लहरू अच्छा बच्चा है बहुत अच्छी बच्ची है हमारी लव्या और बहुत शांत बच्ची है कहना मानती है और बहुत अच्छी है ना हाँ तो गाइज ये था सेकंड डे राखी ब्लॉग आज मैंने बनाई राखी और जो कल छूट गए थे बेटी के वो बेटी ने बना दी बड़ी वाली बेटी तो चली गई थी कल घर को और वो राखी देके भी गई थी सबके लिए उनमें देना भी भूल गई जल्दीबाजी में मतलब इतना वो रहा कि देना भी भूल गए राखी वो मेरे को देखे गए थे तो भाई नहीं आए उनको राखी दे देना तो कोई बात नहीं भूल चूक हो जाती है अगले साल फिर बांध देंगे राखी तो है ना तो ये बात है और आज ये मेरी राखी का ब्लॉग था मैंने तो आज ही बात अपने भाइयों को और मेरा भाई जो है ना मेरे छोटा वाला भाई जो है वो सुबह सुबह आ गया था 6 बजे राखी यहाँ पे हम सो रखे थे 6 बजे आ गया था फिर मैंने उसको यहाँ बैठाया फटाफट नहाने गई नहा धो के आगे फटाफट राखी बांध दी उसको और वो गया था ऑफिस 7 बजे वो ऑफिस निकल जाता है तो आज 7:30-8 बजे निकला होगा फिर और दिन 7 बजे निकल जाता था आज मेरे रुकना पड़ा उसको तो वो फिर ऑफिस गया फिर आए मेरे दो भाई बोलती हूँ मेरे दिल्ली में जो है ना मतलब 3 भाई हैं राखी वाले भाई बोलते 3 भाई हैं राखी वाले तो वो हर साल मेरे घर आते हैं राखी बंधवाने के लिए और बहुत अच्छा लगता है तो अब मैं इससे आगे क्या कहूँ फिर बहुत अच्छा लगा मैंने राखी बांधी एक बार आता है त्योहार तो अच्छा लगता है भाइयों को राखी बांध के थोड़ी तो ये भाई लोग बहुत सारे गिफ्ट ले आते हैं सबके सब भाई मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं तीनों के तीनों एक मिनट रुक जाना तीनों के तीनों मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं और नहीं अब ले ही आए हैं तो फिर वो ना वाली बात रहती फिर मैंने ले ही लिया फिर लेना भी पड़ेगा ला रखे हैं तो ना करने से क्या फायदा ला रखे हैं तो फिर ले लिया तो गाइस ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ अब मुझे बहुत सारा काम है किचन में खाना बनाना बहुत सारा काम है और बच्चे आ रखे हैं तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।